दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे हमारे भारत के महान योद्धाओं के तलवारों के बारे में। जैसा कि आप जानते होंगे, हमारे वीर योद्धाओं की तलवारें भी कोई आम तलवारें नहीं हुआ करती थी। इन योद्धाओं ने जिन तलवारों को धारण किया था, वह तलवार आज भी अपने शौर्य की गाथा का परिचय दे रही। ये तलवारें आज भी जीवंत हैं और अपनी शासन शक्ति, धन और युद्ध प्रदर्शन को न्योता देती हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय चौरसिया, चेंज योर लक जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। आज हम उन तलवारों को नमन करेंगे जिन्होंने बड़े बड़े सुरमाओं को एक ही झटके में खंड खंड कर दिया। उन तलवारों के बारे में जानेंगे जिन्होंने रणभूमि में एक मिसाल पेश किया। आज से 800 सालों पहले भारत अस्त्र शस्त्र का एक बहुत बड़ा सौदागर हुआ करता था। भारत में कई तरह के हथियार बनाए जाते थे और यह हथियार भारतीय लोग विदेशियों को बेचा करते थे, और इस तरह से इन्हीं हथियारों को अरबी लोग यूरोप में बेचा करते थे। एक ऐसी ही तलवार यूरोप में पड़ी है जो पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर तलवार मानी जाती है। इस तलवार ने इतिहास में अपना रुतबा कायम किया है। इस तलवार का नाम दमाकस द ग्रेट स्वॉर्ड है, और इस तलवार को अरब देश में अस-शरीफ अल इंद्रिस भी कहा जाता है। और इसी तलवार से सीरिया का सुल्तान सलाहुद्दीन ने युद्ध के समय कोहराम मचा दिया था। इस तलवार ने घोड़े सहित योद्धाओं को काट डाला था, और इस तलवार की बनावट पूर्ण रूप से क्षत्रिय शस्त्र कला पर आधारित है, जो भारतीय बाजारों से अरब देशों में गई थी और जिसके बदले अरबी हमें घोड़े दिया करते थे। तो इसी लिस्ट में हम दूसरे तलवार की बात करेंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार। शिवाजी महाराज के पास तीन अनूठी तलवारें थी, भवानी, जगदम्बा और तुलजा तलवार। मान्यता है कि भवानी तलवार शिवाजी महाराज को खुद राजराजेश्वरी माँ भवानी ने दी थी। इसके बाद तुलजा तलवार शिवाजी के पिता शाहजी महाराज ने दी थी। वहीं जगदम्बा तलवार का राज कुछ यूं है कि शिवाजी महाराज जब कोंकण के दौरे पर थे, तभी महाराज जी के एक योद्धा अंबाजी सामंत ने एक स्पेनी जहाज पर धावा बोल दिया। जहाज से उन्होंने पुर्तगाल के सेनापति डियोस फर्नांडिस की एक बेहद ही सुंदर तलवार पाई। इसके बाद 16 मार्च को महाशिवरात्रि पर शिवाजी महाराज महादेव के दरबार में पधारे, और यहीं पर अंबाजी के बेटे कृष्ण जी ने शिवाजी महाराज को यह तलवार भेंट में दी। यह ऐसी अद्भुत तलवार थी जिसे देख महाराज जी ने तुरंत आदेश दिया कि मेरे सेना के सभी सैनिकों को ऐसी ही तलवारें दी जाएं। स्पेन के राजा से ऐसी ही तलवारें बनाने के लिए महाराज ने संदेश भिजवाया। उसे के साथ स्पेन के टोलेडो शहर से तलवारों का जखीरा महाराज की सेवा में पेश किया गया। इन्हीं तलवारों के साथ स्पेन के राजा ने शिवाजी महाराज के लिए रत्नों से जड़ी एक विशेष तलवार भी भेजी। इसी तलवार को शिवाजी महाराज ने जगदम्बा नाम दिया था। महाराज की जगदम्बा तलवार अंग्रेज अपने साथ इंग्लैंड ले गए, जबकि दो तलवारें कई सालों से लापता है। भारत सरकार ने कई बार ब्रिटेन से महाराज की तलवार वापस भारत लौटाने को कहा, लेकिन अभी तक ब्रिटेन तलवार देने को राजी नहीं हुआ। और इसी लिस्ट में हम तीसरे नंबर पर बात करते हैं महाराणा प्रताप की तलवार। हमारे इतिहास के अमर योद्धा महाराणा प्रताप के सामने पूरी दुनिया नतमस्तक है। जब भी प्रताप युद्ध पर निकलते तो वह अपने साथ दो तलवारें रखा करते थे। कभी कोई योद्धा निहत्था होता तो महाराणा उसे अपना दूसरा तलवार देते। प्रताप कभी निहत्थों पर वार नहीं किया करते थे। महाराणा प्रताप के पास बहुत सुंदर हथियार थे, बहुत सारी तलवारें भी थी, पर एक ऐसी तलवार थी जो खानदानी हुआ करती थी, जिससे महाराणा सांगा उदय सिंह यानी कि मेवाड़ के राणाओं की खानदानी तलवार, जिसका वजन 25 से 45 किलो का हुआ करता था।
और इस तलवार को वर्तमान में उदयपुर के म्यूजियम में रखा गया है। और इसी लिस्ट में हम चौथे नंबर पर बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान की तलवार। पृथ्वीराज चौहान ने अपने इतिहास में बहुत से युद्ध लड़े। कहा जाता है कि 900 साल पुरानी खानदानी चौहानी तलवार थी और इस वंश का कोई युवराज गद्दी संभालता था तो उसे खानदानी चौहानी तलवार राज्य अभिषेक के साथ दी जाती थी। यह तेज भरकम तलवार तराइन के युद्ध के समय सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पास थी। युद्ध के बाद इस तलवार का जिक्र कहीं नहीं मिला, पर अभी कुछ समय पहले ही राव माधव सिंह ट्रस्ट ने अपने पास रहे हथियारों की प्रदर्शनी की, जिसमें उन्होंने एक अद्भुत तलवार जनता के सामने पेश की और यह हूबहू सम्राट के तलवार जैसे सोने के मोट वाली तलवार थी, जिस पर लिखा था सरकार श्री पृथ्वीराज बहादुर संवत 1282। पर अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि यह तलवार सच में सम्राट की है या उनकी तलवार जैसी कोई अन्य तलवार बनाई गई। और इसी लिस्ट में हम बात करते हैं महाराणा रणजीत सिंह की तलवार। शेर ए पंजाब नाम से मशहूर महाराणा रणजीत सिंह एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सिख साम्राज्य खड़ा करने में कामयाब रहे। उन्होंने अपने काल में अनेकों युद्ध को लड़ा। कहा जाता है कि महाराज की तलवार को अंग्रेज अपने साथ ले गए। अभी हाल ही में महाराज की तलवार को एक भारतीय दल ने ब्रिटेन में खोज निकाला। दरअसल महाराज की यह तलवार भारत में राज करने वाले अंग्रेजों की सेना के एक सैनिक के पास मिली। सैनिक ने बताया कि उसके दादा अंग्रेजों की सेना में सिपाही हुआ करते थे। वे हिंदुस्तान से अपने साथ यह तलवार लेकर आए। इस तलवार की धार पर महाराजा का चित्र भी बना हुआ है, जिसके नीचे गुरुमुखी में छत्र पंजाब लिखा हुआ है। इस तलवार की मोट पर गुरुमुखी में महाराजा रणजीत सिंह लाहौर लिखा है। यह तलवार भारत के वीर योद्धा महाराजा रणजीत सिंह की तलवार है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। और भविष्य में ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।